Get your ticket to your dream career. Join IIMT University, which offers courses in engineering, pharmacy, law, management, mass communication, hospitality management, nursing and paramedical and other professional courses. O Pocket Ganganagar, Mavana Road, Meerut. उत्तर प्रदेश में नवनियुक्त जिला पंचायत अध्यक्षों ने आज समारोह पूर्वक पद व गोपनीयता की शपथ ग्रहण कर ली। यूपी के मेरठ जिले में जिलाधिकारी के बालाजी ने गौरव चौधरी को जिला पंचायत अध्यक्ष पद की शपथ दिलाई। इस मौके पर सांसद राजेंद्र अग्रवाल, बागपत सांसद सत्यपाल सिंह, राज्यसभा सदस्य कांता कर्दम, विधायक संगीत सोम, सत्यवीर त्यागी, जितेंद्र सतवई, दिनेश खटीक, सत्यप्रकाश अग्रवाल, कमिश्नर सुरेंद्र सिंह, सीडीओ शशांक चौधरी आदि मौजूद रहे। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह के बाद नव नियुक्त जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी ने कहा कि वे विदेश छोड़कर अपनी धरती पर राजनीति नहीं सेवा करने के लिए आए हैं। पीएम मोदी व सीएम योगी की इच्छा के अनुरूप वह जिला पंचायत को बहुत आगे तक लेकर जाएंगे। अपने देश में अच्छा लगता है, अपनी मिट्टी है, अपनी हवा है। ऑब्वियसली अब फील लाइक होम, अपने घर में हैं। घर से बाहर गए थे, घर वापस आए। कितनी बड़ी चुनौती समझते हैं इस पद को, कितनी बड़ी चुनौती चैलेंज समझते हैं? बहुत बड़ी चुनौती नहीं है, चुनौती नहीं है। इन बाधाओं को पार करके आप विकास के राह पर आगे बढ़ सकते हैं। जी जरूर। क्या क्या होगा, क्या क्या रहेंगे, जनता की सेवा भी होता रहेगी, जिस भी माध्यम से लोगों की सेवा हो, गांवों का विकास करें। तो क्या क्या, जैसे आप कुछ उदाहरण देते हैं, क्या क्या सेवा? मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर दोबारा आपको बताता हूँ कि गाँव में जो समस्याएं मेरे डिपार्टमेंट में आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, नाली, बिजली, आपके तालाब, ये तो नॉर्मल मेरे डिपार्टमेंट में आती है, तो ऑब्वियसली होंगी होंगी। पर इस बार नया मुद्दा लेके आएंगे हम कि स्वास्थ्य और एजुकेशन पे ध्यान दिया जाए। हमारा डिपार्टमेंट इस बार स्वास्थ्य और एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान देगा, क्योंकि सड़कें तो बनती रहेंगी, तालाब भी साफ़ होते रहेंगे, गंदे होते रहेंगे, साफ़ होते रहेंगे, पर हेल्थ और एजुकेशन को सुधारना हमारी प्रायोरिटी है और इस पर ध्यान दिया जाएगा। सर, जो हमारे सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं उसको थोड़ा सा सुधारने की और उसको थोड़ा सा निरंतर चेक करने की और जो भी वहाँ असुविधाएँ हैं वहाँ सुविधाएँ पहुँचाने की ज़रूरत है। गौरव जी, आपसे वादा था जर्मनी जैसा विकास होगा आपके क्षेत्र में। जर्मनी पूरा फोकस जो था, पूरा चुनाव जर्मनी पे था कि आप जर्मन से आए हैं और जर्मन जैसा विकास करेंगे, जर्मन जैसी सड़कें होंगी, उस पर क्या, उसके लिए क्या तैयारी की गई है और क्या आपका कहना है? सर, तुरंत तो नहीं वो हो सकता क्योंकि वो हमसे बहुत आगे हैं, पर जिस हिसाब से माननीय नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री जी हमारे योगी जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, यकीनन 10-20 साल में हम उस रफ्तार को पकड़ लेंगे और पहुंच पाएंगे। और मेरे जैसे युवा अगर अपना थोड़ा त्याग करके समाज को देंगे, ऑब्वियसली वो क्यों नहीं होगा। मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। इस मौके पर भाजपा के फायर ब्रांड सरधना विधायक संगीत सोम ने यूपी की नई जनसंख्या नीति पर मुख्यमंत्री का आभार तो जताया ही, साथ ही यह भी कहा कि अल्लाह की देन केवल बच्चे पैदा करना ही नहीं और भी बहुत कुछ है। मैं छोटे भाई गौरव चौधरी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और उम्मीद करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। आपके ध्यान हो, जिस दिन पर्चा भरने आया था आप लोगों ने कहा था, मुझसे ही पूछा था कि गौरव कुसेड़ी बाहर से आए, तो मैंने कहा था भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही है और बाहर से नहीं, परिवार का सदस्य है। आप देखिए जिला पंचायत मेरठ नए मुकाम पे जाएगी और उत्तर प्रदेश में जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम सब मिलके भारतीय जनता पार्टी दोबारा से सरकार 350 सीटों के साथ बनाए, उसके लिए काम करेंगे और बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। निश्चित रहिए, उत्तर प्रदेश या हिंदुस्तान में कोई आतंकवादी नहीं पनपने दिया जाएगा। ये समय गया, समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो यहाँ आतंकवादी पनपते थे। चूँकि समाजवादी पार्टी की सरकार आतंकवादियों को जेल से छोड़ने का काम करती थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आतंकवादियों को उनके घर में ठोकने का काम करती है, इसलिए यहाँ नहीं पनपने देंगे। 2022 का चुनाव किस तरीके से देख रहे हैं? 2022 में कोई हमारे सामने है नहीं, आप देख लेना। भारतीय जनता पार्टी 350 प्लस सीटों के साथ आएगी। मेरे ख्याल से सपा की जितनी सीटें पहले थी उतनी नहीं आ पाएंगी, 40-45 थी अब के नहीं आ पाएंगी, बसपा भी उतने उससे कुछ आसपास ही रहेगी, बाकी किसी का यहाँ कुछ है नहीं। भारतीय जनता पार्टी 350 सीटों के साथ आ रही है। मुझे नहीं लगता ये मौलाना क्यों नहीं चाहते कि देश का विकास हो, तरक्की हो। जनसंख्या बहुत बड़ा एक कलंक होता जा रहा है और जनसंख्या एक ऐसी
महामारी हमारे देश में होती जा रही है, जो देश को पीछे लेके जा रही है। जनसंख्या पे कानून और कंट्रोल जरूर होना चाहिए, कानून आना चाहिए, और उत्तर प्रदेश में योगी जी ने इसके पहल करी है। हम अपने मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं और धन्यवाद बोलते हैं कि जिस तरीके की पहल आपने की है, आप बधाई के पात्र हैं। अल्लाह की देन कहने वाले जो मौलाना हैं उनको क्या सलाह देंगे? उन्हें सोचना चाहिए कि अल्लाह की देन बहुत कुछ है, केवल बच्चे पैदा करना ही अल्लाह की देन नहीं है, बाकी कुछ मांगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।